नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली NCR में। दोस्तों, मैं हूँ रंजीत। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं दोस्तों जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, बट बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो आप कम पैसे में कम लागत में शुरू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो गर्मी में बहुत अच्छे चलते हैं, और कम पैसे में आपके पास अगर 5,000 रुपये भी हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस जो है वो है टॉयज का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 5,000 रुपीज़ भी हैं तो आप टॉयज का काम शुरू कर सकते हैं। टॉयज के बिजनेस में मोर देन 60-70% तक मार्जिन मिलती है आपको, और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं आप। 5,000 रुपया का भी अगर आप टॉयज ले लेते हैं होलसेल में, जिसकी होलसेल मार्केट सदर बाजार में है, तेलीवाड़ा मार्केट है, जहाँ पे आपको खिलौने मिलते हैं वो भी बहुत ही सस्ते में। टॉय का काम आप ओपन एरिया में भी कर सकते हैं, किसी भी रनिंग मार्केट में आप टेबल के ऊपर भी 5,000-10,000 रुपये तक के टॉयज लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको पूरा दुकान लेने की। दूसरा जो बिजनेस है वो है ज्वेलरी का। गर्मी में ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाती है, यूँ तो ज्वेलरी एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे साल चलता है, बट गर्मी के टाइम में ज्वेलरी लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो ज्वेलरी का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 5,000 रुपये में। इसकी होलसेल मार्केट जो है ये सदर बाजार में है, रुई मंडी में, जहाँ पे आपको सस्ते से सस्ते में ज्वेलरी मिल जाएंगे जो आप आसानी से 5 गुनी 6 गुनी कीमत में बेच के अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ज्वेलरी के काम के लिए भी आपको कोई ज़्यादा दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप ओपन एरिया में टेबल पे या छोटे से फोल्डिंग पे लगा के डिस्प्ले करके 5,000 रुपये से काम शुरू करके आप डेली के 1,000 रुपये 800 रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा जो बिजनेस है ये है पर्स का। जी हाँ दोस्तों, आप छोटे छोटे जो लेडीज क्लच होते हैं, वॉलेट हैं, पर्स हैं, या जूट के बैग हो गए, इस तरह के बैग जो देखते हैं टिफिन के लिए लोग ले जाते हैं, यूज करते हैं, छोटे छोटे बैग जो 15 रुपये 20 रुपये जिसकी कीमत होती है, 50-50 रुपीज़ में बिकते हैं, नबी करीम में मिल जाएगी। तो इस तरह के आइटम आप लेके लेडीज पर्स का या जूट के बैग का काम स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 5,000 रुपये में, और ये भी अच्छा मार्जिन देगा, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। नेक्स्ट बिजनेस जो है दोस्तों वो है कढ़े का। कढ़े और चूड़ियाँ सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था इसके पहले भी कई सारी वीडियो, जो कढ़े वगैरह होते हैं दो दो पीस तीन तीन पीस आप पैक करके छोटे छोटे डब्बे में, जो प्लास्टिक के बॉक्स आते हैं उसमें पैक करके आप सेल लगा दीजिए, और 5,000 रुपये में बहुत सारे कड़े आ जाएंगे। बहुत सारे जो सस्ते सस्ते वाले कड़े होते हैं, आसानी से आप 10 रुपये 20 रुपये वाले कड़े लेके 50 रुपीज़ का सेल लगा के बेच सकते हैं, और गर्मी में बहुत चलता है ये काम, तो ये काम आप कर सकते हैं। ये भी आपको रुई मंडी सदर बाजार में मिल जाएगा, इसकी होलसेल मार्केट वहाँ पे है। इसके अलावा बच्चों की जो टी शर्ट्स हैं या बड़ों के टी शर्ट हैं जो सस्ते में मिलते हैं, 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ का टी शर्ट लेके 70 रुपीज़ का 80 रुपीज़ का मैक्सिमम आप उठाइए और 100 रुपीज़ का सेल लगा दीजिए। 100 का 150 का, बड़े लोगों का है तो 150 का लगा दीजिए, बच्चों का है तो 100 का लगा दीजिए। तो इस तरह का टी शर्ट वगैरह का सेल लगा के आप 5,000 रुपये में काम को चालू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आइटम तो नहीं आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं आ जाएंगे, बट हाँ काम आप स्टार्ट कर सकते हैं टी शर्ट्स का। आप प्लास्टिक के आइटम का काम कर सकते हैं, ऐसे तो पूरा साल चलता है ये आइटम, बट गर्मी में और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि प्लास्टिक के जैसे वाटर बॉटल हो गए जो 20 रुपये 25 रुपये के आते हैं, 100-100 रुपये के बिकते हैं, टिफिन बॉक्स हैं, लंच बॉक्स वगैरह बच्चों के चाहिए होते हैं, नए नए एडमिशन हो रहे हैं क्लास में, तो इस तरह की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। छोटे छोटे आइटम प्लास्टिक के आइटम आप ले सकते हैं और इसकी सेल लगा दीजिए। आपको डिप्टीगंज मार्केट सदर बाजार में मिल जाएगा या क्रोकरी मार्केट सदर बाजार में आप होलसेल में उठा सकते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के आइटम, और सेल लगा दीजिए 20 रुपये का 25 रुपये का छोटे आइटम का। बड़े आइटम है आप 50 का 100 रुपये का भी बेच सकते हैं, चाहे बहुत सारे आइटम हैं जो आपको प्लास्टिक के मिल जाएंगे। तो इस तरह का प्लास्टिक के आइटम का काम आप कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। अगला बिजनेस एक और हॉट आइटम है जो बिकता है, जिसको बोलते हैं सनग्लासेस। आप सनग्लासेस का काम स्टार्ट कीजिए, आप देखते होंगे आप कभी भी निकल जाइए मार्केट में, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप देखेंगे रोड साइड में भी लोग आजकल 100 रुपीज़ का सेल लगा के 99 रुपीज़ का सेल लगा के सनग्लासेस बेच रहे हैं। गर्मी का टाइम है, बहुत डिमांडिंग आइटम है,
और ये जितने भी सनग्लासेस आप देखते होंगे 100 100 रुपीज का बेचते हैं। इसकी जो कीमत है 22 रुपीज से लेके 30 रुपीज तक का है। तो इस तरह के सनग्लास आप ले सकते हैं, 5000 रुपीज में बहुत सारे सनग्लास आपको मिल जाएंगे। ये बल्ली मारान में मिलता है, चांदनी चौक में इसकी होलसेल मार्केट है। मैंने इसकी वीडियो पहले डाली है, तो आप सनग्लासेस का काम स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 5000 रुपये में। और ये भी 3 गुनी प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। आप बच्चों के सनग्लास रख लीजिए, बड़ों के सनग्लासेस रख लीजिए, और इस तरह का काम आप सनग्लासेस का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बिजनेस है ये है वॉचेस का। वॉचेस भी गर्मी में ज़्यादा बिकते हैं, ऐसे तो ठंडे में भी चलते हैं, बट गर्मी में आप वॉच का काम कर सकते हैं। वॉच भी बल्ली मारान में मिल जाएगी, चांदनी चौक में, यहाँ पे होलसेल मार्केट है। इसके अलावा लाजपत राय मार्केट में भी वॉच की होलसेल मार्केट है, वहां से भी आप ले सकते हैं। ये भी आपको लाल किला के ठीक सामने में पड़ता है, मैंने वहां की भी वीडियो दिखाई है। तो यहाँ से आप कम पैसे में 15 रुपये 20 रुपये में वॉच मिलते हैं, जो आसानी से आप 50 का 100 का 80 रुपीज का बेच सकते हैं। अच्छा आइटम है जिसे लगा के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं मात्र 5000 रुपीज में। नेक्स्ट जो बिजनेस है वो है कैप का। जी हाँ दोस्तों, कैप भी ऐसा आइटम है जो सालों भर लोग यूज करते हैं। अभी गर्मी के हिसाब से इसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कैप का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अभी गर्मी का टाइम है, बच्चों के हैट कैप ये सारी चीजें बड़ों के आप रख सकते हैं। वो गांधीनगर होलसेल मार्केट से आपको माल मिल जाएगा होलसेल कीमत में, वहां से आप माल उठाइए। सदर बाजार में भी मटके वाली गली में बहुत सारी दुकानें हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं होलसेल में। और कैप्स का काम स्टार्ट कीजिए आप, कैप का काम 5000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। और सिर्फ कैप कैप और कुछ भी नहीं रखना, बच्चों के बड़ों के कैप और हैट का काम आप शुरू कर सकते हैं 5000 रुपीज में। इसके लिए भी कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ओपन एरिया में। ये सारे आइटम जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी लगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और सभी रनिंग आइटम हैं जो मात्र 5000 रुपये में भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बिजनेस है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज भी ऐसा काम है जो पूरे साल आप करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो सॉफ्ट टॉयज का काम आपका 5000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। तो ओनली 5000 रुपीज लगा के आप छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज जो 30 रुपीज के 40 रुपीज के 50 रुपीज तक के आप उठाइए, और सॉफ्ट टॉयज का स्टॉल लगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है, आप ओपन एरिया में स्टॉल पे लगा के बहुत अच्छे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारे बिजनेस हैं दोस्तों जो आप कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में बेल का आइकॉन आएगा, उसे भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।